अस्सलाम वालेकुम। फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स के पेपर में हम आज कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे जो कि पे फिक्सेशन से मुतल्लिक होंगे। इन क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि प्रेजम्प्टिव पे फिक्सेशन एंड प्रमोशन किस तरह से करते हैं, पे फिक्सेशन और रवीन ऑफ पे स्केल किस तरह होती है और एनुअल इंक्रीमेंट कब ड्यू होती है। तीन क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अहमद ड्राइंग पे रुपीज 2930 पर मंथ है, बीपीएस 15, और ये पे स्केल भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1620 और इंक्रीमेंट इसमें है 131 रुपी की और मैक्सिमम इसकी स्टेज है 3582 85। सेकंड ओकेजन है कि ही वाज प्रमोटेड इन बीपीएस 16 और नेक्स्ट में ये उसके पे स्केल का स्लैब दी हुई है। इनिशियल पे है उसकी 1875, इंक्रीमेंट है 146 और मैक्सिमम है 4065। तो बेसिक पे स्केल का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें इनिशियल पे दी होती है, इंक्रीमेंट दी होती है और मैक्सिमम स्टेज दी होती है। वो प्रमोट हुआ है जी, अहमद प्रमोट हुआ है 1 जुलाई 1991 से। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने पे फिक्स करनी है इसकी प्रमोशन पर और जब इंक्रीमेंट इसकी ड्यू होगी 1/12/1991 को। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 30/6/91 को, यानी कि 1 साल को प्रमोट हुआ है तो उससे पहले इवन जो उसका एग्जिस्टिंग पे बीपीएस था वो 15 था, उसका पे स्केल भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे उसकी पे फिक्स जो होगी वो 2930 पे होगी, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब पहला इवेंट देखिए, जब वो प्रमोट हुआ है बीपीएस 16 में और उसने ऑप्ट किया है प्रमोशन के लिए, तो इसको प्रमोशन 2930 जो ये 10th स्टेज थी बीपीएस 15 की, तो हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेज ढूंढनी है बीपीएस 16 में। तो अगर आप देखें पे स्केल में, देखें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को, ये आप, हाँ जी, ये आपको स्क्रीन अब नज़र आ रही होगी जिसके अंदर पे स्केल दिखाए हुए हैं। इसके अंदर बीपीएस 15 में जाएं, 15 में यहाँ पे आप देखेंगे 2930 आप उसकी बीपीएस 11 में था जी, सॉरी बीपीएस 15 के 2930 के ऊपर, ये मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे इसकी पे थी, एग्जिस्टिंग पे थी बीपीएस 15 में, 2930 को आप बीपीएस 16 में हम देखते हैं तो कहाँ पे जाके ये फिक्स होता है, ये 1991 के स्केल हैं। 2930 को हम जब देखेंगे तो ये फिक्स होते हैं जाकर 3043 पे। तो प्रमोशन है तो प्रमोशन में उसे नेक्स्ट स्टेज मिलेगी तो उसकी पे फिक्स हो जाएगी 3189 पे, 3189 पे फिक्स हो रही है उसकी। तो वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अब जी। अभी ये देखें कि हम 2930 से हमने इसे पे फिक्स की तो 3199 पे इसकी फिक्स हो गए। अब ये केस है प्रेजम्प्टिव पे का, इस पे मेरी पिछली वीडियो मौजूद है, प्रेजम्प्टिव पे किस सूरत में दी जाती है। तो ये जून से नवंबर के दौरान जब प्रमोशन होती है, ये अज्यूम किया गया कि अगर वो प्रमोट ना होता 1/7/91 को तो फिर उसकी पे किस तरह से फिक्स करते हैं। हम ये पे फिक्सेशन कर रहे हैं उसकी जब एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू होती है, वहाँ पे प्रेजम्प्टिव पे का केस बना के हम उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग पे स्केल में एक इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। तो 2930 में हमने एक इंक्रीमेंट ऐड की है 131 रुपये, तो ये हमारे पास आ गया 3061। अभी हम इसके पे अब फिक्स करेंगे जाके 1/12 को,
लखनऊ इवेंट जब प्रमोशन का आया, 191 को आया है, तो 191 में जब हम पे फिक्स की है, तो इस सूरत में अब ये होगा कि 3061 को अब हमने पे फिक्स करनी है। मैं दोबारा स्केल के चार्ट की तरफ ले जाता हूँ, ये देखें जी, इसमें हमने पहले PPS 15 के अंदर 2930 को अब हमने पहले इंक्रीमेंट देकर 3061 पे फिक्स किया। अब 3061 को हम PPS 16 में देखते हैं, 3061 हमारा फिक्स होगा 3199 पे, और फिर अब उसको हमने एक नेक्स्ट स्टेज देनी है, तो 3335 पे 10वीं स्टेज पे वो पे फिक्स होगी। तो ऐसी सूरत में अब इस जो एम्प्लाई को फायदा हो गया दो इंक्रीमेंट का, प्रेजम्पटिव पे की वजह से दो इंक्रीमेंट का फायदा हो गया। ये अजम्पशन की बेसिस पे है कि अगर वो वहाँ पे उसकी पे अगर वो प्रमोशन उसकी 191 के बाद प्रमोशन होती तो उसको 3335 का फायदा होना था। तो प्रोटेक्शन ऑफ पे के रूल के मुताबिक गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि उसे प्रेजम्पटिव पे देकर उसको हायर पे में फिक्स कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। दूसरा सवाल ये है कि मिस्टर अली का गवर्नमेंट सर्वेंट रैंक पे एट द रेट ऑफ 1140 पर मंथ इन BPS 11, इसका पे स्केल दिया हुआ है 910, 46, 18, 30। ये 31/5/1990 को 11 से 40 रुपए पे पे ड्रा कर रहा था। ही वॉज प्रमोटेड इन BPS 16 और पे स्केल दिया हुआ है 13/50 से 105/2925। ये उसकी प्रमोशन हुई है 1/6/90 को, 1 जून 1990 को प्रमोट हुआ है। तो ये सवाल ये है कि व्हेन इंक्रीमेंट विल बी ड्यू। अब इसे इंक्रीमेंट कब मिलेगी, नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है। एग्जिस्टिंग पे में हमने फिक्स किया 31/5 को, उसकी पे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी हमें, 1140 पे हमने पहला इवेंट दे दिया। ये आखिरी कॉलम मैंने दिया है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर के अंदर आखिरी कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले चार कॉलम ही लिख देंगे तो सफिशेंट होगा। अब प्रमोशन NBPS 16 में फिक्स करते हैं, तो 1140 को जब हम फिक्स करेंगे BPS 16 में, तो सेम उसी स्केल में उसी साल में हम देख रहे हैं, ये 87 के स्केल एप्लीकेबल होंगे। 1140 में पहले हम एक इंक्रीमेंट ऐड कर लेते हैं 46 रुपी, तो ये 1186 हो गया। 1186 को जब हमने फिक्स किया BPS 16 के अंदर, तो BPS 16 के इनिशियल पे जाके ये फिक्स हुआ है। स्केल में कहते तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये आपको स्केल में नज़र आ जाएगा। BPS 16 में आप देखें 87 के पे स्केल में ये 13/50 पे जाके इसकी इनिशियल पे फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। अभी ये स्केल 1987 वाले चलेंगे, 1/6/91 से स्केल चेंज हुए थे। तो बहुत आसान सवाल है। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे लिखी है, इसमें आप देखें कि एनुअल इंक्रीमेंट जो ऐसा सवाल है कि एनुअल इंक्रीमेंट कब ड्यू होगी, तो इसकी एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू होगी 1/12/90 को। क्यों होगी, क्योंकि ये रूल मौजूद है कि अगर पे स्केल में या हायर पोस्ट में मोर देन 6 मंथ का ड्यूटी पीरियड है तो इंक्रीमेंट ड्यू हो जाएगी, तो 1/12/90 को ऐसे इंक्रीमेंट मिल जाएगी। तीसरे सवाल की जानब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर अनवर ड्राइंग पे ऑफ ₹6,755 पर मंथ इन BPS 16, ये पे स्केल दिया है 3805/295/12/6/55। सेकंड इवेंट है, ही वाज प्रमोटेड इन BPS 17 और पे स्केल है 62/10, 465/15/510 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2002। 1 अक्टूबर 2002 को प्रमोट हुआ है, तो इसका मतलब है कि 30/9/2002 को उसकी एग्जिस्टिंग पे पीछे दी हुई है 6,755 BPS 16 की। थर्ड इवेंट है, पे स्केल वाज रिवाइज्ड इन 2005, पे स्केल रिवाइज हुए तो उसमें
नया पे स्केल आया 7,146, 535, 17,840। चौथा इवेंट है, आखिरी इवेंट लिखा हुआ है री प्रमोटेड एनबीपीएस 18 और पे स्केल है 9,355, 675, 22,855। ये उसकी प्रमोशन हो रही है 25 अप्रैल 2006 को। तो क्वेश्चन में है कि हमने पे फिक्स करनी है इसकी, पहले एग्जिस्टिंग पे क्या था, बीपीएस 17 में जब प्रमोट हुआ तो क्या हुआ, पे स्केल रिवाइज हो तो क्या होता है, और फिर दोबारा प्रमोशन हो तो क्या होता है। ये इसका नेक्स्ट में ये सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने 30/9/2002 को पे को फिक्स किया जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था। उसके बाद प्रमोशन हुई है उसकी बीपीएस 17 में, अगर वो ऑप्ट कर लेता है प्रमोशन को तो सिंपली क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट यानी कि एक उसे देंगे पे फिक्स करेंगे उसे 6,755। कहाँ पे फॉल करेगा, बीपीएस 17 में, तो वो फॉल करता है 7,140 में और फिर उसे एक इंक्रीमेंट का इजाफा दे देंगे तो 7,605 पे उसकी पे फिक्स हो जाएगी। अगर वो ऑप्ट नहीं करता और वो प्रेजम्पटिव पे का केस के लिए एप्लीकेशन देता है और जब उसकी एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू होती है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि अगर वो अक्टूबर 2002 को प्रमोट ना होता तो फिर उसकी पे किस तरह से फिक्स होनी थी। अगर वो 1/12/2002 के बाद प्रमोट होता तो फिर उसकी किस तरह से पे फिक्स होनी थी। तो देखें जी, पहले सबसे पहले हम प्रेजम्पटिव पे में एग्जिस्टिंग पे स्केल की एक इंक्रीमेंट को ऐड करेंगे तो 6,755 + 295 हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 7,050 जो है इसका रिजल्ट आ गया। पहले यहाँ फिक्स की, अब इसको हमने बीपीएस 17 के पे स्केल चार्ट के मुताबिक फिक्स करेंगे तो वहां पे इसकी अब प्रमोशन में 7,050 फॉल कर रहा है 7,140 में और फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट देंगे। नेक्स्ट स्टेज पहले दी फिर इंक्रीमेंट दे रहे हैं, पहले नेक्स्ट स्टेज दे रहे हैं फिर इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो 7,605 रुपये पे उसकी पे फिक्स होगी। अगर वो ऑप्ट करे या प्रेजेंटिव पे पे दे तो दोनों सूरतों में उसकी पे जो है वो 7,605 पे फिक्स हो जाएगी। अब 2002 के बाद ये इंक्रीमेंट के वक्त ये प्रेजेंटिव पे का केस आता है तो उसकी 1/12/2002 को भी उसकी तनख्वाह 7,605 होगी। 1/12/2003 को उसके 1 साल यानी 6 महीने से ज़्यादा ड्यूटी पीरियड हो गया तो नेक्स्ट स्टेज मिल जाएगी 8,070 रुपये। 2004 में फिर उसे एक इंक्रीमेंट मिल जाएगी बीपीएस 17 की क्योंकि मोर देन 6 मंथ ड्यूटी पीरियड है तो 8,535 पे फिक्स हो जाएगी। अभी इवेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 1/7/2005 में पे स्केल रिवाइज हो गए, तो रिवीजन ऑफ पे स्केल में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पॉइंट टू पॉइंट पे फिक्स की जाती है। तो 8,535 को अगर हम देखें तो ये जो स्टेज बनती है ये फिफ्थ स्टेज बनती है जो एग्जिस्टिंग पे स्केल थे 2002 वाले। तो अब 2005 की पांचवी स्टेज में हम देखेंगे तो ये पे इसकी फिक्स होगी जाके 9,815 पे। नेक्स्ट इसका 1/12/2005 को एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट देंगे हम इसे 535 रुपये की तो 10,350 पे फिक्स हो जाएगी। अब ये प्रमोट हो रहा है बीपीएस 18 में, प्रमोशन होने की सूरत में हम देखेंगे कि 10,350 कहाँ फाल करेगा 18 के स्केल में, तो ये फाल कर रहा है 10,750 पे तो एक इंक्रीमेंट देंगे तो 11,380 पे इसकी फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आखिरी कॉलम मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन में पहले 4 कॉलम ही आपने लिखने हैं या पेपर दे रहे होंगे तो आपने जरा गौर करना है। पे स्केल चार्ट इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने सिंपल अपने पे स्केल चार्ट के मुताबिक पॉइंट टू पॉइंट, अगर रिवीन ऑफ पे स्केल है तो पॉइंट टू पॉइंट देखना है, अगर पे फिक्सेशन करें तो वहाँ पे पहले पे फिक्स करें,
इवेंट को समझें, उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीफा ऑनलाइन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक और सेशन करेंगे हम, कुछ सवालात और भी इसके साथ ऐड करेंगे।